जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा सेल थ्योरी के बारे में। तो यह है क्लास नाइन्थ का वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स और डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात किया था। और अब जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही कम समय में समझाऊंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो पे, गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा सेल थ्योरी। तो चलिए बिना देर के शुरू करता हूँ आज का जो टॉपिक है सेल थ्योरी। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी जो है इसको लगभग तीन साइंटिस्टों ने मिलकर के दिया। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, स्लीडन। ठीक है, पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, स्लीडन। किस सन में इन्होंने दिया, 1838 में। ये कौन थे भाई, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मीन्स क्या हुआ, ये प्लांट की स्टडी करते थे। ठीक, बॉटनी क्या होती है, द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। ठीक है, बायो को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं और एनिमल की स्टडी हम लोग करते हैं जूलॉजी में। तो जो स्लीडन थे ये क्या थे भाई, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने किसकी स्टडी की, इन्होंने प्लांट्स की स्टडी की और क्या बताया कि प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्लांट्स को बताया भाई ये सेल के बने हुए हैं। अब एक साइंटिस्ट और आ गए, स्वान आ गए भाई 1839 में। एक साल के बाद एक और साइंटिस्ट आए, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और ये थे भाई जूलॉजिस्ट। ये तो बॉटनिस्ट हो गए, इन्होंने प्लांट के बारे में बता दिया, अब कोई चाहिए ना कि एनिमल के बारे में बताए। तो इन्होंने ये रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। इन्होंने बताया कि सेल के पास क्या होती है, एक थिन आउटर लेयर होती है एंड व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आप लोग सेल का स्ट्रक्चर अभी पढ़ोगे तब आपको सेल वॉल मिलेगा, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, फिर उसके बाद आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। तो चलिए, इन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं उनमें एक थिन लेयर पाई जाती है और वो क्या है भाई, आज के समय में हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों ने तो भाई सेल थ्योरी को दे दी, अब सेल थ्योरी को इन लोगों ने दे दिया, लेकिन अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होने बाकी थे। अब थोड़ा और समय बीता, एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था रडॉल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 मीन्स 1855 में क्या बताया, इन्होंने किया फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने बताया कि जो सेल होती हैं वो डिवाइड होती हैं, ठीक, फ्रॉम सॉरी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं और नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, मीन्स सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल प्रेजेंट है वो क्या होगी, वो एक से दो हो जाएगी और वो नए सेल का फॉर्मेशन कर दी। इन्होंने अपने लैंग्वेज में कुछ चिल्लाए, ये बोले ओमनी सेल्ला ए सेल्ला ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। अब ये भाई लगा कि ये क्या है, फिर बाद में पता चला कि ओमनी सेल्ला ई सेल्ला का मतलब क्या हुआ कि सेल्स डिवाइड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स। ठीक है, तो ये था आपका सेल थ्योरी, है ना, बहुत ही आसान, समझ गए, तीन साइंटिस्ट को इसे पढ़ना है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्री कंपोनेंट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो सेल थ्योरी का कंपोनेंट्स है बहुत ही आसान है। ठीक, पहला वाला क्या है भाई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, पहला कंपोनेंट हो गया सेल के बने हुए हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है भाई, जो आप लोग डिफिनीशन पढ़ते हो वही है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग, ये आपका हो गया। तीसरा वाला क्या है भाई, ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो इन्होंने बताया, किसने, रडॉल्फ विर्चो ने बताया। तो थ्री कंपोनेंट्स आप लोग याद कर लीजिए और सेल थ्योरी में इन तीन साइंटिस्ट को याद कर लीजिए। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सेल थ्योरी से सिर्फ यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इतना ही आपको याद करना है, इतना ही आपको समझना है। ठीक है, तो रटने की कोई बात नहीं है, बस आप लोग थोड़ा समझिए, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, जो बेसिक जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं सेल का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें क्या क्या आएगा, आपका सेल वॉल आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियस आएगा, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे आर्गन पाए जाते हैं उसको कहते हैं क्या, सेल आर्गनेल्स। उसके बारे में एक एक करके हम लोग
सेल आर्गनेस को पढ़ लेंगे, फिर आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।